नियमितीकरण की मांग को लेकर अंशकालीन जलवाहक एवं जलवाहक कम सेवादार संघ का क्रमिक अनशन पांचवें दिन भी जारी रहा। संघ का कहना है कि यदि सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो 15 जुलाई से अंशकालीन जलवाहक आमरण अनशन शुरू कर देंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर अंशकालीन जलवाहक एवं जलवाहक कम सेवादार संघ की क्रमिक अनशन पांचवें दिन भी जारी रहा। संघ का कहना है कि सरकार यदि वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो 15 जुलाई से अंशकालीन जलवाहक आमरण अनशन करेंगे। अंशकालीन जलवाहक एवं जलवाहक कम सेवादार संघ के जिला प्रधान भूटोराम ने बताया कि नियमितीकरण की मांग को लेकर अंशकालीन जलवाहक और जलवाहक कम सेवादार क्रमिक अनशन पांचवें दिन भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि पांच दिन का क्रमिक अनशन होने के बाद भी सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया है, जिसके चलते अंशकालीन जलवाहकों में सरकार के प्रति रोष है। उन्होंने कहा कि संघ ने निर्णय लिया है कि 15 जुलाई से मंडी के सेरी चाणी पर अंशकालीन जलवाहक एवं जलवाहक कम सेवादार अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन करेंगे और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार वार्ता के लिए नहीं बुला लेती। ठीक सर जी, मैं अंशकालीन जलवाहक जलवाहक कम सेवादार का जिला अध्यक्ष भूटोराम। आज हमारा जो क्रमिक अनशन है वो पांचों दिन भी जारी है, जिसमें जिला मंडी के सभी ब्लॉकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसमें ज़्यादातर श्रेय मैं अपनी बहनों को, महिलाओं को देता हूँ, जिन्होंने अपने इस अन्न को त्याग करके 24 घंटे दिन और रात हमारे साथ बैठने के लिए आग्रह किया। मैं एक बार इन पुनः इनका धन्यवाद करता हूँ। साथ में हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी ये संदेश देने चाहते हैं कि आज पांचवें दिन तक भी हमारे साथ सरकार के कोई वार्तालाप के लिए या कोई उच्च अधिकारी के माध्यम से हमें कोई भी सूचना ना मिल सके। इसके लिए हमने अब पांचवा दिन जो अनशन कर्मिक अनशन जारी है, लेकिन कर्म अनशन को बदलकर अब हम एक अमरण अनशन का रूप धारण कर रहे हैं, जो कि 15 जुलाई 2019 से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी, खंडों के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। और साथ में सरकार को विधि पूर्वक से पता ही है कि गरीब वर्ग बहुत गरीब वर्ग है और इसमें हमने जो मांग सरकार के ध्यानार्थ में बार बार लाने से हमें एक श्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। और सरकार से हम मांग करते हैं कि 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी जनकालीन जलवाहकों को नियमित किया जाए बिना शर्त से, और अगर शिक्षा विभाग में खाली पद नहीं है तो अन्य विभाग में भेज दिया जाए या जहाँ ये सेवा जो पार्ट टाइम में दे रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में वहीं उनके नियमित कर दिया जाए। और दूसरी जो मांग हमारी, जो अंशकालीन जलवाहक है हमारे, जो कि बेचारे 2400 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करते चले जाएं, तो सरकार से उनके प्रति भी हमारी मांग ये रहेगी कि उन अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय में वृद्धि की जाए और उनको 5 साल के बाद डेली वेज बनाया जाए और 3 साल में नियमित किया जाए। साथ में हमारी एक मांग वो भी चली हुई 2012 से जो फोर्थ क्लास चतुर्थ कर्मचारी की जो 60 वर्ष थी उसको ठुंझा कर दिया गया है, तो सरकार से आज भी पेपर के माध्यम से भी सूचना मिली कि 2001 के बाद अंशकालीन जलवाहकों की जो सेवानिवृत्ति होगी 58 वर्षीय होगी, लेकिन 2001 से पहले जो 2001 से पहले 60 वर्ष कर दी गई थी, 2001 से पहले 2001 से 2001 से पहले 2001 से पहले 60 वर्ष थी और 2001 के बाद लगे हुए जलवाहकों की 58 वर्ष की जा रही है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि इन मांगों के ऊपर हमारा ध्यान रख दें, अन्यथा हम इस मरण आसन को जारी कर देंगे। जय जलवाहक, जय हिमाचल।